हैदराबाद में कल देर रात इमाम साहब टेकी मस्जिद के इमाम सैयद आसिम पर जुमेरात बाजार में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। ये घटना तब हुई जब इमाम साहब कल देर रात अपने भाई के साथ घर लौट रहे थे। वो जुमेरात बाजार रोड के समीप से गुजर रहे थे, तभी अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने उनके बाइक को ओवरटेक किया, जिसकी वजह से इमाम साहब ने अपनी बाइक रोक कर ओवरटेक करने वाले लोगों से पूछने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूछा ताछी चल ही रही थी कि उन दोनों लोगों ने इमाम साहब पर हमला किया और उन्हें मारने लगे। वहां पर उनके दोस्त भी थे और वो लोग भी इमाम साहब को मारना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद उन्हें वहीं छोड़कर वे लोग भाग गए। बाद में इमाम साहब ने पास के सहनाजगंज पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन की। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर इमाम साहब को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया तथा घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेते हुए वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक कर आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपी जेल में होंगे। जब मस्जिद के लोगों को इस बात का पता चला तो वे पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जिसमें AIMIM के सदर MD यासीन पासा भी उपस्थित रहे। नगर से दूधपुरी जा रहा था के लिए बादशाह के तो जुमेरात बाजार HP पेट्रोल पंप के पास सामने एक पल्सर पे दो बच्चे आए, सामने से ओवरटेक कर दिए। करके क्या हुआ रे, मुझे पुकार रहे हो, पलट के हमारे छोटे भाई क्या हुआ उनके बोलती पलट के वापस आए हूँ, आगे कर हालात मारा गाड़ी पर हम लोग दोनों गिर गए। दूसरा वाला बच्चा गला पकड़ के भैरी मारा, मारते ही जो है गाली भी दी अम्मा की, तो गाली के अंदर आ रहे बोले सुबोले तो तेरी वो वकील दोनों तीनों मार दी। सामने से और एक पैशन पे आया बच्चा, वो बच्चा भी जो है गाड़ी होके उन्हें भी मारा। सामने पवन होटल है, उसमें से एक बच्चा निकला, उन भी आया बाद गली में, तीनों आए मार के बाद वो रोड खोद रहे हैं। शाम में शहनाजगंज PS के अंदर जुमेरात बाजार में मुर्शिद साहब वो गाड़ी में जा रहे थे, उनके साथ फॉलोअर भी थे, साथ में गाड़ी में जा रहे थे। वही टाइम पे दूसरा गाड़ी में और जो बच्चे थे वो लोगों से बहस हुआ, वो लोग मुर्शिद साहब को मारे थे। वही टाइम पे जो रोड पे ठहरे थे जो बच्चे आके भी मारे थे, इसमें मुर्शिद साहब को थोड़ा अग्रेस हुआ था। इसमें मुर्शिद साहब का कंप्लेंट के अंदर हमारा PS में FIR बुक हुआ।